तो गाइस इस वक्त हम गुजरात में, गुजरात में लिकर बैंड है बट नॉट फॉर टूरिस्ट। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको अपना बोर्डिंग पास देना पड़ेगा, साथ में दो आईडी प्रूफ देने पड़ेगी जिसमें आपका आधार कार्ड नहीं माना जाता। आपका एक परमिट बनेगा जो आगे जाके फ्यूचर में आपका काम आएगा, और उस परमिट बनने के बाद आपको एक 750 ml की आप विस्की की बॉटल ले सकते हैं, विच कुड बी एनी इंडियन फॉरन, और वो एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते से ऊपर रह रहे तो फिर एक हफ्ते बाद आपको एक लीटर अलॉट होएगा पर पर्सन। नेक्स्ट चीज, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन की टिकट लगेगी, बस से आ रहे हो तो बस की टिकट लगेगी विद मैसेज वेलकम टू गुजरात। अब आप बोलोगे कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो क्या प्रूफ है? गाड़ी वाले पे डिसअपॉइंट ना हो, रास्ते में कहीं पे भी आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, उसकी पर्ची बनवानी है, और उस पर्ची में आपका गाड़ी का नंबर लिखा होना चाहिए। प्लस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा प्रूफ RC के साथ ये गाड़ी आपकी है, प्लस दो ID लगेगी, और आपको होटल में ही ये विस्की मिलेगी, तो ये चीज़ें कंपलसरी है। लेकिन आप बोलोगे अगर आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो और आप यहाँ के लोकल नहीं हो, तब भी आपको दारू मिलेगी। वो कैसे? आप उनके घर का जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो वहाँ का आपको एक रेजिडेंस प्रूफ लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी चीज़, सब चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है। तो रूल्स को फॉलो करो व्हेन यू इन गुजरात, रिस्पेक्ट द लोकल लॉ ऑफ गुजरात एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट।